तो चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। अब देखिए डिसजॉइंट का मीनिंग हमने पहले भी देख लिया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो सेट्स, ठीक है, जिनको आप इंटरसेक्शन करो तो आपको उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है। मतलब कि दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। इन अदर वर्ड्स वी कुड से दैट कि वो दो सेट्स, ठीक है, जिनको इंटरसेक्शन करने पे हमें नल सेट मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। बहुत क्लियर है, ठीक है। मतलब एक भी मेंबर सेम नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट एक भी मेंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला कॉमन। जब कॉमन मिलेगा ही नहीं तो ज्वाइंट तो हुआ ही नहीं, मतलब कि वो दोनों अलग अलग सेट्स हो गए, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। पकड़ में बात आ गई, चले आगे। चलो तो अभी देखते हैं सेट्स क्या है यहाँ पर। तो एक सेट आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है x, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, मतलब इतना तो दिमाग में आ गया कि 1 से स्टार्ट होगा x का मेंबर। और क्या कह रहा है, 4 लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू 6। अब इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 और 4 से ज़्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब कि 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5 और 6 भी आएगा, क्योंकि x कह रहा है कि 6 से कम है एंड इक्वल टू 6, ये साइन को इक्वल टू बोलते हैं ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि x इज लेस देन 6, 6 से कम है तो 5 तो हो जाना चाहिए, एज वेल एज x इज इक्वल टू 6, ठीक है, वो 6 के इक्वल भी है, मतलब 6 भी इंक्लूड होगा। आई बात समझ में बच्चा, ठीक है। चलो अब हम इनको इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, देखो 4 दोनों में कॉमन है, अगर 4 कॉमन है तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डन बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान है, अब इसमें तो अपने को सेट दिए ही हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला है ए ई आई ओ यू, और इसके बीच में इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी डी ई एफ। चलो मेरे को बताओ क्या है, देखो ई दोनों में नज़र आ रहा है बेटा, ई नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है, इसका मतलब कि ई जो है वो कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर। तो अगेन हम कहेंगे कि दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ओके, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ठीक है बच्चा, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, ओके, मतलब कि ये वाले में अपने को इवन इंटीजर मिल रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 एंड इट गोज ऑन, एंड इंटरसेक्शन x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे जो सेट है उसमें x कैसे ऑड इंटीजर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11... कुछ कॉमन आया, ठीक है, बेसिकली रीड करके समझ में आ गया कि एक सेट इवन का एक सेट ऑड का है, कहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट, ठीक है, तो नल सेट है, इसका मतलब कि दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ओके, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर ना, ओके, तो जस्ट नोटेड डाउन, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो शुरू करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, ए के अंदर कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं, बी में आपको मेंबर्स दिए हुए हैं 4, 8, 12, 16, 20, ओके, सी में मेंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और डी में दिए हुए 5, 10, 15, 20, ठीक है। अभी हमें कुछ निकालना है, देखो क्या निकालना है, a माइनस b। अब अगेन हम लोगों ने 1.4 का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें देखा था हम लोगों ने कि माइनस मतलब डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, ठीक है, वो हटा दो उन दोनों सेट्स में से और फिर बाकी के जो एलिमेंट बच जाते हैं वो लिखो, कैसे हमने डिस्कस किया था, आइए दोबारा करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है बच्चा, देखो जैसे यहाँ पे a माइनस b है, तो मैंने पहले a के मेंबर्स लिख दिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है ना बेटा, ओके, माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं, बी के एलिमेंट्स क्या है 4, 8, 12, 16, 20,
अब माइनस करना है मतलब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब है कि कॉमन हटा दीजिए। तो पहले हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 है हट गया, 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 12 वाला ही था, कॉमन हट गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे। देखो बेटा क्या बोला गया, ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ए में से बी निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मतलब कि आंसर भी हमें ए सेट के ही एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो ए सेट में जो हमने काट लिया उसके अलावा अपना आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, 6, 9, 15, 18, 21। डाउट है, चेक कर लो आंसर। ओके, तो इस तरीके से आएगा, बहुत आसान है। आ जाओ एक और देख लेते हैं हम लोग, टेंशन मत लो। नाउ क्या कह रहा है, ए माइनस सी, तो ए के पहले मेंबर्स लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सब्ट्रैक्ट करना है सी, सी क्या है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब यहीं से देख लो, 3 नहीं है, 6 है, तो 6 काट लिया, ठीक है। फिर 9 नहीं है, 12, हाँ 12 है, तो 12 भी काट लिया, ठीक है। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, इसका मतलब कि दो चीज़ें कटी, 6 और 12 कट गया, ठीक है। तो जो कट गया बाकी का अपन लिख देते हैं। अब अगेन a माइनस सी है, तो पहला सेट कौन सा है, a, तो मेंबर्स भी किसके लिखोगे बेटा, a के ही लिखोगे। तो क्या हो गया, 3, 6 को हटा दो, 9, 12 को हटा दो, 15, 18, 21, ठीक है, डन, क्लियर, ओके, शाबाश। चलो अब हम चलते हैं a माइनस डी की तरफ, ठीक है। फिर से a माइनस डी, तो पहले a को लिख देते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, डिफरेंस माइनस डी, डी के सेट्स क्या है, 5, 10, 15, 20। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या है, यहाँ पे 3 है, वहाँ नहीं है, 6 है, वहाँ नहीं है, 9 है, नहीं है, 12 है, नहीं है, 15 है, 15 को हटा दिया, ठीक है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, क्लियर, तो सिर्फ 15 हट गया। तो हमारे आंसर में देखो a माइनस डी है, तो किसके सेट्स लिखोगे, a के लिखोगे, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, डन, क्लियर बेटा। चलो अब हम क्या है, अब है b माइनस ए, इसका मतलब कि पहले हमें b सेट के मेंबर्स लिखने पड़ जाएंगे। b क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग a से, a क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 4 उसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12 कट गया, 16 नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, b माइनस a है, इसका मतलब कि किसके सेट्स हमें लिखने हैं, किस सेट के मेंबर्स लिखने हैं, b के लिखने हैं, ठीक है, a के नहीं लिखने हैं, b के। तो b के मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 4, 8, 16, 20, ठीक है बेटा, कोई डाउट, समझ आ गया ना। अब देखो अब तुम आराम से डिफरेंस चेक कर सकते हो, a माइनस b जब बोला था तो हमने a और b में जो कॉमन एलिमेंट थे वो काट दिए, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे b में 12 है, a में भी 12 है, तो हमने उनको काट दिया। तो अब अपने काटने के बाद, कॉमन हटाने के बाद जो भी एलिमेंट बच जाते हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो पहले a है, तो इसके लिए a के ही मेंबर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा देख लो, b माइनस a है, तो देखो कटा तो वही 12 जो ऊपर कटा था, कटा तो वही, ओके, बट b माइनस a है, इसके लिए मेंबर्स किसके लिखोगे, b के लिखोगे, तो b के मेंबर्स तुम्हारा आंसर, ठीक है ना बेटा, अब समझ आ रहा है ना, ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब आते हैं हम लोग c माइनस a, तो पहले हम लोग c के मेंबर्स लिख देते हैं, कहाँ पे है c साहब जी, ये रहे c, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, माइनस हमें करना है a से, a क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है बेटा। चलो अब देखिए क्या कटिंग होगा, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, कट गया,
8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, कट गया, 14, 16 नहीं है, ठीक है। तो मेंबर्स क्या है, अब देखो किसके लिखोगे, सी के, मतलब पहला सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके मेंबर्स हमारे पास, 2, 4, 8, 10, 14, 16, ठीक है बच्चा, क्लियर, ओके। नाउ डी, डी के क्या है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के मेंबर्स, ए तो लर्न हो गया नहीं अभी, तो 3, 6, 9, 12 नहीं लर्न हुआ है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, चलो अब देखिए क्या क्या कॉमन है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, काट लिया 15 को, 20 नहीं है, तो क्या बच गया हमारे पास, 5, 10 और 20, तो आपका आंसर आ गया 5, 10 और 20, डन डन, क्लियर, मस्त, सही से ना हो ही जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा, ठीक है। तो a माइनस बी, आई मीन सब डिवीजन, सॉरी क्या डिवीजन, डिफरेंस, ठीक है। अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आपको क्या करना है, दो सेट्स के बीच का आपको माइनस दिया जाएगा, तो उसमें पहले तो जो कॉमन है ना दोनों सेट में वो हटा दो, ठीक है, उनको बिल्कुल आंखों से गायब कर दो। उसके बाद आपको माइनस के दौरान, ठीक है, माइनस के पहले कौन सा सेट दिया हुआ है वो सेट के मेंबर्स लिख दो कॉमन हटाने के बाद, दैट्स इट, वेरी सिंपल। मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा लिखा और बताया, ठीक है, आपको अगर क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये आंसर्स लिख सकते हैं, ये शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, करना भी चाहे तो इट्स योर विश। तो अभी आप पहले ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं, बाकी और 6 रिमेनिंग है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे उनकी बात करते हैं। अच्छा बच्चों, आगे और जो रिमेनिंग सम से ख़त्म कर लेते हैं, क्या है बच्चों, b माइनस सी, चलो b लिख देते पहले हम लोग, b क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस करना है c के साथ, सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि b के हिसाब से क्या क्या कॉमन है, 4 है, ठीक है, कट गया, 8 है वहाँ पर भी, 8 भी है, कट गया, 12 है वहाँ पर, है, कट गया, 16 है वहाँ पे, है, कट गया, ठीक है। इसका मतलब कि b माइनस सी के हिसाब से हमारे पास जो b सेट है उसमें सिर्फ 20 वाला एलिमेंट बच गया, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 20, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो नाउ b माइनस डी, b फिर से लिख देते हैं हम लोग, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस d क्या है, 5, 10, 15, 20, चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन जाएगा, 4 नहीं है, 8 भी नहीं है इसमें, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ 20 है, 20 गया, तो 4, 8, 12, 16 ये आपका आंसर, 4, 8, 12, 16 ये आपका आंसर, ठीक है बच्चा, है ना। चलो नाउ अब क्या है, c माइनस b, ओके, c के मेंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, माइनस b के मेंबर्स क्या हैं, 4, 8, 12, 16, 20, चलो अब देखिए हम लोग क्या क्या कैंसिल में जा रहा है, 4 जा रहा है, ठीक है, 8 जा रहा है, फिर 12 देखो 12 जा रहा है, और 16 जा रहा है, ठीक है, ये गए, तो अब हमारे पास b में क्या बच गया, 2, 6, 10, 14, तो b के मेंबर्स, सॉरी हाँ c के, ठीक है, c के मेंबर्स क्या हैं, 2, 6, 10, 14, ठीक है बेटा, ठीक है, c माइनस बी था ना, तो अपने को c के मेंबर्स देखने थे, देखे तो वही बट बोला गलती से भी, ओके। नाउ d, d क्या है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, माइनस b, b के मेंबर्स क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, वाह लर्न हो गया मेरे को। नाउ 5 इसमें है, नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 है सिर्फ, ठीक है, तो d माइनस b में d के मेंबर्स क्या बच गए, 5, 10 और 15, तो आपके पास आ गए 5, 10, 15, चलो नाउ c
सी माइनस डी ई ई डी ई ई सी क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 8, 8, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस डी के मेंबर्स कर रहे हैं क्या है डी के मेंबर्स 5, 10, 15, 20 ओके चलो अब देखते क्या कॉमन है 2 नहीं है 4 नहीं है देखो 6 भी नहीं है 10, 10, 10, 10 गया 12 नहीं 14 नहीं 16 नहीं मतलब कि सी माइनस डी के हिसाब से हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 फिर 12, 14, 16 ओके डन नाउ डी माइनस सी तो पहले डी के मेंबर्स लिख देते हैं भाई डी के मेंबर्स क्या हैं 5, 10, 15, 20 सी के मेंबर्स क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 देखो अब 10 और 10 कटा बस ना और तो कुछ कट ही नहीं रहा ओके डी के मेंबर्स लिखने पड़ जाएंगे हम लोगों को तो 5, 10, सॉरी 5, 15, 20 5, 15, 20 यप्पी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे खत्म कैसा लगा क्या था मैम इतना इजी ये वाले सम्स तो हमने क्या किया ना आपका वीडियो पॉज कर लिया हमने खुद नहीं कर लिया फिर आंसर चेक किए ये किया ना आप लोगों ने सही सही बताना ठीक है और ऐसा किया तो बहुत अच्छा है आई एम वेरी हैप्पी कि चलो आपने खुद ट्राई तो किया तो इस तरीके से हमारे डिफरेंस इसके सम क्लियर एंड आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे मस्त अगर ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कंप्लीट तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 की और उसके पहले जस्ट नोटेड डाउन अगर नहीं किया है तो अगर किया है तो चलते हैं फिर 10th क्वेश्चन की और चलो बच्चों शुरू करते क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th इफ एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी ओके सेट दिया हुआ है वाई के सेट में मेंबर्स दिए हुए हैं एफ बी डी जी फाइंड एक्स माइनस वाई अभी भी तो निकाले डिफरेंस वाले ठीक है बस वही चीज करनी है तो लिख देते हैं एक्स के मेंबर्स क्या है ए बी सी डी माइनस वाई के मेंबर्स क्या है एफ बी डी जी ओके देखिए कॉमन क्या है और कॉमन को काट लेना है तो ए नहीं है बी है कट गया सी और डी कट गया ठीक है तो क्या बच गया हमारे पास एक्स माइनस वाई है मतलब हमें एक्स का देखना है तो एक्स में क्या बच गया ए और सी तो आपका आंसर आएगा ए और सी यकीन नहीं आ रहा चेक कर लो आंसर नाउ अब आ रहे हैं हम लोग वाई माइनस एक्स ठीक है वाई क्या है एफ बी डी जी माइनस करना है किसके साथ एक्स के साथ ए बी सी डी ओके चलो देखते हैं क्या क्या है माइनस ये मतलब फिर से सेम जो कॉमन है वो हटा दीजिए तो कॉमन बी और बी गया कॉमन डी और डी गया क्या बच गया एफ और जी क्या बच गया एफ और जी ठीक है ना ओके ना इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो पहले एक्स के मेंबर्स लिख देते हैं ए बी सी डी इंटरसेक्शन वाई के मेंबर्स क्या है एफ बी डी जी सो बेटा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेने हैं ठीक है इन्होंने जानबूझ के ऐसे दिया कि ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कंफ्यूज नहीं होना डिफरेंस में कॉमन को हटाना है और इंटरसेक्शन में कॉमन को ही लेना है ठीक है तो अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है तो बी और बी कॉमन है दोनों में ओके डी और डी कॉमन है दोनों में ठीक है तो जो कॉमन है वो मेंबर्स लेने हैं इंटरसेक्शन के दौरान तो आंसर आ गया बी डी क्लियर ठीक है क्लियर हो गया ना बस यही तो है और कुछ नहीं है दैट्स इट तो क्या इन्होंने जानबूझकर आपको दिया कि आपको वो चेक करना है कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बच्चा पर नहीं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके लिए हम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हमें पता है कि डिफरेंस के दौरान कॉमन हटाकर जो पहला वाला है एलिमेंट मतलब सेट उसके एलिमेंट लिखने पड़ते हैं तो वो हमने यहाँ पे भी सेम किया फिर आपने हमने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया एक्स इंटरसेक्शन वाई कोई बात नहीं हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हमें कॉमन ही लेने होते हैं कॉमन ही लेने होते हैं तो हमने कॉमन ही लिए डन ओके चलिए राइट इट डाउन फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलो बच्चों शुरू करते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट है
एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स का सेट है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, क्या होगा आइए देखते हैं. क्या कह रहा है ये कि आर जो है उसके अंदर मेंबर्स हैं सच दैट, वो मेंबर्स कैसे हैं, ओके एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है वो रियल नंबर है. एंड क्यू, क्यू भी एक सेट है सच दैट एक्स, एक्स इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. एक्स किसका सेट है, रैशनल नंबर्स का, ठीक है. तो फिर हम लोगों को आर माइनस क्यू क्या मिलेगा. देखो बच्चों, अब बहुत बहुत कॉमन सी बात बता रही हूँ मैं आपको, सबको पता है कि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है रियल नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर्स कैसे बनते हैं, वो रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल और इरेशनल को मिलाकर, ठीक है. रैशनल नंबर्स की कैटेगरी होती है और इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी होती है, ठीक है बेटा. तो अब अगर आप, आपको ये कहा गया है कि R में से Q निकाल दो, मतलब कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को हटा दो, अब आप खुद सोचो, रियल नंबर्स आर नथिंग बट रैशनल प्लस इरेशनल. अगर तुम रैशनल को हटा दे रहे हो तो क्या बच गया हमारा आंसर, इरेशनल आंसर आ गया, ठीक है. अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा प्रेजेंट करें तो क्या होगा, रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स इक्वल्स टू व्हाट. तो रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है. रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स. अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को. तो हमें क्या मिलेगा, अब आप खुद सोचो कि रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल माइनस रैशनल, तो रैशनल रैशनल हट गया, क्या बच गया हमारे पास, इरेशनल नंबर्स. क्या बच गया हमारे पास, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना. देखो रियल नंबर्स जो है वो रैशनल और इरेशनल से मिलके बनता है, तो ये जो रियल नंबर्स हैं अगर उसमें से रैशनल नंबर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो रियल नंबर्स आर नथिंग बट रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स. अगर मैं ये ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो आप खुद सोच सकते हो, रैशनल माइनस रैशनल जीरो, तो क्या बच गया हमारे पास, इरेशनल नंबर्स, ठीक है. तो अगर हमें इसको लिखना है, ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है, लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर माइनस क्यू, ओके दैट मीन्स की सेट ऑफ रियल माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इक्वल्स टू टी. टी क्या होता है भाई, टी का मतलब है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ सिंबल, एक्स इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, दैट्स इट. तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये हो गया, और आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो ये हो गया, जो आपको समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा. समझ में आ गया ना, मेन समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, मैं ही मान के चल रही हूँ. फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा, नो डाउट, ठीक है. आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ दोबारा समझनी है, कमेंट सेशन में दोबारा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके यू कैन आस्क ना. क्लियर, एक बार फिर से समझा दूँ. देखो रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल. कह रहा है कि रैशनल और इरेशनल में से अगर तुम रैशनल निकालते हो तो क्या बचता है, तो इरेशनल बचता है, दैट्स इट, डन. तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 12th क्वेश्चन. चलो बच्चों फिर शुरू करते क्वेश्चन नंबर 12th. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12th, स्टेट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, बता भी जाओ कि क्यों फॉल्स है, ट्रू का तो कोई जस्टिफिकेशन होता ही नहीं है, फॉल्स का बताना है कि क्यों फॉल्स अपन बोल रहे हैं उसको. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है, 2, 3, 4, 5 एक सेट है एंड 3, 6 दूसरा सेट है, आर डिसजॉइंट सेट्स. ये दोनों सेट डिसजॉइंट है. अब अच्छा, हमने अभी भी देखा ना, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, लाइक कॉमन इंटरसेक्शन वुड बी नल सेट. ठीक है, तो अगर अभी हम इनको देखें तो 2, 3, 4, 5 को अगर हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3, 6 के साथ, क्या आंसर आ रहा है बेटा, देखो 3 दोनों में कॉमन है. ठीक है, इसका मतलब कि 3 आया हमारा आंसर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा फॉल्स. ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स, सीधी सी बात है, ओके दैट मीन्स कि हमें नल सेट नहीं मिला. ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू
टू थ्री फोर फाइव, इसमें भी थ्री बिलोंग कर रहा है और थ्री बिलोंग कर रहा है थ्री और सिक्स में भी, तो कॉमन एलिमेंट है, दैट्स वाई वो नल सेट नहीं दे रहा है, और नल सेट नहीं दे रहा है इसके लिए वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो इसके लिए फॉल्स हो गया। चलो नेक्स्ट, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है हमारा, ए बी सी डी, और उसमें से ए कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है ना, ठीक है, ए कॉमन निकल रहा है दोनों में से, ए कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब अगेन आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए ई आई ओ यू, आई ओ यू, एंड ए बिलोंग्स टू ए बी सी डी, दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए नल सेट तो आया ही नहीं हमारा आंसर, ठीक है, पहचान गए। नाउ नेक्स्ट, टू सिक्स एट, टू सिक्स टेन फोर्टीन, क्या है, टू सिक्स टेन फोर्टीन इंटरसेक्ट होगा थ्री सेवन एलेवन फिफ्टीन के साथ, फिर से पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखो बेटा, टू नहीं है, सिक्स नहीं है, टेन नहीं है, फोर्टीन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हम लिखेंगे नल सेट, नल सेट आ गया तो हम लिखेंगे यस ट्रू, दी सेट्स आर द डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, टू सिक्स टेन इंटरसेक्ट करना है थ्री सेवन इलेवन के साथ, क्या कोई कॉमन है, टू ना, सिक्स ना, टेन ना, ना, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स नल सेट, तो इसका आंसर भी क्या आया, ट्रू, सही, दैट्स इट, क्लियर। सो बच्चों समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ट्रू फॉल्स था, और सारे के सारे ट्रू फॉल्स जो थे वो डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर ही आधार से, और कुछ पूछा ही नहीं यहाँ पे इन लोगों ने, तो जस्ट कॉपी डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। सो बच्चों क्लियर हो गया ये एक्सरसाइज 1.4, ओके, बाकी सारे एक्सरसाइज के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट चैप्टर वन, वो पूरा का पूरा मैंने लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास लेक्चर वाइज जो है वो सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो कोई लेक्चर मिस हो गया हो या किसी को रिवाइज करना हो या कोई देखना हो, तो आपके पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स एज वेल एज एक्सरसाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी के दोनों अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, तो आप अच्छे से देख लीजिए, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ द एक्सरसाइज 1.5, फिर हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। टिल देन रिवाइज ऑल द सेशंस, कुछ डाउट हो तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेशन बॉक्स। सो बच्चा हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन डू स्टडी, डू वर्क हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।